तो आप तो डोरेमोन दिखते ही होंगे। अच्छा देखते हो तो बताओ ये डक कौन है, ये जादुई बाबा कौन है और ये डोरेमोन का क्या लगता है? नहीं पता ना? कोई नहीं, क्योंकि आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम इन्हीं जैसे कुछ हिडन एंड मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। गाइज अगर आप डोरेमोन के अच्छे खासे फैन भी होगे तो भी आपको बस डोरेमोन और डोरेमी के बारे में पता होगा जो कि फ्यूचर से आए हैं। पर गाइज ये दोनों रोबोट इंसानों की हेल्प करने के लिए बनाए गए थे, तो जाहिर सी बात है ऐसे और भी रोबोट्स होंगे। और गाइज एक्चुअल में ऐसे हैं भी जो कि डोरेमोन में दिखाए भी गए हैं, और उस कैरेक्टर का नाम है डोरापैन, जिसे कहीं कहीं डोरापिन भी कहा जाता है। इसे 1997 की एक शॉर्ट फिल्म द पजलिंग चैलेंज लेटर ऑफ द मिस्टीरियस थीफ डोरापैन में दिखाया गया था। गाइज ये बिल्कुल ही डोरेमोन जैसा दिखता है, बस ये पर्पल कलर का है और इसकी पर्सनैलिटी एक जेंटल मैन जैसी है, हाँ मूछों के साथ। इसे भी डोरा केक्स बहुत पसंद है, पर ये मॉस की जगह डॉग्स से डरता है। डोरेमोन की ही तरह इसके पास भी 40 पॉकेट है और ये भी एक अच्छा रोबोट है। बट डोरेमोन से मिलने से पहले इसे द मिस्टीरियस थीफ कहा जाता था, क्योंकि गाइस ये रॉबिन हुड की ही तरह चोरी करके उसे अच्छे कामों के लिए यूज किया करता है। आप इसके बारे में शायद ही जानते होंगे क्योंकि ये कैरेक्टर बस एक शॉर्ट मूवी में ही दिखा है, एंड अनफॉर्चुनेटली ये मूवी अब तक हिंदी में डब भी नहीं की गई है। बट हाँ आप इसे इंग्लिश सबटाइटल में यूट्यूब पर देख सकते हो। गाइज अब मैं जिनकी बात करने वाला हूँ वो कोई कार्टून कैरेक्टर तो नहीं है, बट हाँ आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर के क्रिएटर जरूर हैं। सिंचन को क्रिएट किया था योशितो युसुई ने, और उनके फ्रेंड का कहना है कि योशितो काफी कम बात किया करते थे पर अलग अलग जगहों से अपने काम के लिए आइडिया लेते रहते थे। और गाइज वो रियल लाइफ में भी काफी कॉमेडी करने वाले इंसान थे, पर पिछले कुछ 2 सालों से योशितो पूरे चेंज हो गए थे। उनके फ्रेंड का कहना है कि पहले वो बहुत ही खुश रहा करते थे और उनके आइडियाज कभी खत्म नहीं होते थे, पर पिछले 2 सालों से वो डिप्रेशन में रहते थे और वो उनके एनिमे में भी दिखता था। क्रेयोन सिंचन के लास्ट एपिसोड काफी सीरियस टोन में हुआ करते थे और उसमें अक्सर टेररिज्म, अल्कोहल एंड डेथ विशेष जैसी चीज दिखाई जाती थी। और फिर योशितो एक दिन गायब हो गए और फिर 3 वीक्स के बाद उनकी डेड बॉडी एक पहाड़ के नीचे मिली। लोग मानते हैं कि जरूर उनका पैर फिसला होगा, पर गाइज उनके क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स का ये मानना है कि उन्होंने डिप्रेशन की वजह से जानबूझकर सुसाइड किया है। पर रियल रीजन कोई नहीं जानता कि पिछले कुछ वक्त से उनके साथ क्या हो रहा था और उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। यार अगर मिस्टीरियस कैरेक्टर्स की बात चल रही हो तो हम इसे कैसे भूल सकते हैं, ये भी डोरेमोन की एक मूवी का कैरेक्टर है जिस मूवी का नाम है हरा हरा प्लेनेट। गाइज इस कैरेक्टर का नाम है एल्डर ट्री। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, पर ये कहां से आया है ये कोई भी नहीं जानता। मूवी में भी ये एक मिस्ट्री है कि ये कैरेक्टर आया कहां से है। गाइज ये जहां रहता है वहां के लोगों को भी नहीं पता कि आखिर ये एल्डर ट्री आया कहां से है। इसकी हाइट काफी हद तक डोरेमोन जैसी है, इसलिए बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये डोरेमोन ही है जिसने टाइम ट्रेवल किया है। पर यार ये बस एक थ्योरी है, असलियत में ये कौन है ये आज भी किसी को नहीं पता, और गाइस शायद हम इसके बारे में कभी जान भी पाएं। गाइज अभी मैं जिस कैरेक्टर की बात करने वाला हूँ ना वो डोरेमोन के एनिमे में आया है, पर फिर भी आप उसे 100% नहीं जानते होगे। ये कैरेक्टर है गैटचाको। ये भी डोरेमोन की ही तरह 21st सेंचुरी से आई एक रोबोट होती है, पर ये थोड़ी अननोइंग रोबोट होती है। इसका बस एक ही काम होता है, डोरेमोन को परेशान करना। गाइज ये बहुत ही स्मार्ट होती है और ये कैरेक्टर हमें पहली बार 1973 के डोरेमोन एनिमे में दिखी थी। यारो आपको यकीन नहीं होगा पर उस टाइम में लोग डोरेमोन एनिमे को बहुत हेट किया करते थे, क्योंकि 1973 का डोरेमोन आज के डोरेमोन से बहुत ही ज्यादा अलग था। रेफरेंस के तौर पर बताऊं तो इवन उस एनिमे में नोबिता आज के जियान से भी ज्यादा बदतमीज और बदमाश था। अननोइंग होने के कारण ये भी बेकार कैरेक्टर्स में से एक थी। ये इतनी ज्यादा अननोइंग थी कि लिटरली इसे लोग हेट किया करते थे, और इसलिए ये पुराने डोरेमोन में भी सिर्फ 5 ही एपिसोड के लिए दिखी थी, जिसके बाद इसको रिप्लेस करके डोरेमी को लाया गया। यारो जैसा कि मैंने कहा कि 1973 वाले डोरेमोन को लोग बहुत ज्यादा हेट किया करते थे क्योंकि उसका एनिमेशन बहुत बेकार था और उसके कैरेक्टर्स का बिहेवियर अभी के कैरेक्टर्स के बिहेवियर से बहुत ही अलग था। जैसे कि अभी वाला जियान थोड़ा वाइल्ड है, यानी कि वो थोड़ा मोड़ा वायलेंस करता है, पर यारो 1973 वाला जियान तो अलग ही लेवल का था। वो छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा वायलेंस किया करता था। गाइज आपको यकीन नहीं होगा पर 1973 वाले डोरेमोन में जियान की मॉम ऑलरेडी मर चुकी थी और जियान अपने डैड के साथ रहा करता था, और उसके डैड एक्चुअल में डोरेमोन इतने हाइट के थे जिनके सामने जियान मॉन्स्टर लगता था। और यार वो जियान अपने डैड को मारता भी रहता था, जो ये बताने के लिए काफी है कि जियान कितना ज्यादा वाइल्ड कैरेक्टर था। जियान अभी भी लोगों को परेशान करता है, पर उस समय भाई 1973 वाले डोरेमोन में और भी कई सारी चीजें थी जो डोरेमोन में काफी इम्पोर्टेंट होने वाली थी, पर उसे हटा दिया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि सारे कैरेक्टर्स के अपने पार्टनर्स हैं, जैसे कि जियान और सुनियो, डोरेमोन और नोबिता। ठीक वैसे ही सुजुका की भी 2 फ्रेंड्स होने वाली थी और ये दोनों ही कैरेक्टर सुजुका के साथ रहने वाली थी, जिनका नाम था जमैको और डेबुको। ये दोनों ही कैरेक्टर सुजुका की बेस्ट फ्रेंड बनने वाली थी, पर फिर जब 1973 वाला डोरेमोन फ्लॉप हुआ तो साथ ही साथ इन दो कैरेक्टर्स को भी स्क्रैप में डाल दिया गया, यानी कि वेस्ट में। ये दोनों ही कैरेक्टर 1973
वाले डोरेमोन के बाद कभी शो नहीं की गई। गाइस सुजुका के अभी भी कई सारे फ्रेंड्स हैं पर उनके बारे में कुछ नहीं बताया जाता। पर रही बात इन दोनों की, तो इन दोनों के स्टोरी में कई प्लॉट्स होने वाले थे। यार आपने नोबिता की ग्रैंड मदर को तो कई बार देखा होगा, पर क्या आपने कभी उनके ग्रैंड फादर को देखा है? अगर नहीं देखा है तो आज आप देखोगे। ऐसे तो नोबिता के ग्रैंड फादर को सही से किसी एनिमे में नहीं दिखाया गया है, पर एक एपिसोड था जब नोबिता अपने डैड के बचपन को देखने पास्ट में जाता है, तभी वहाँ नोबिता के ग्रैंड फादर को भी दिखाया जाता है। नोबिता के ग्रैंड फादर का नाम है नोबिरो नोबी, जिनको एनिमे के छोटे छोटे क्लिप्स में दिखाया गया है, पर फिर भी आप इन्हें नहीं जानते होंगे क्योंकि एनिमे में इन पर ज्यादा फोकस ही नहीं किया गया है। और बस एक फन फैक्ट के लिए हम आपको बता दें कि जो ये व्यक्ति हैं इनका भी नाम नोबिरो नोबी है, हाँ बस स्पेलिंग अलग है। और गाइस ये और कोई नहीं बल्कि नोबिता के चाचा हैं, यानी उसके डैड के छोटे भाई। इन्हें कई बार सीरीज में दिखाया गया है पर फिर भी ज्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि नोबिता के डैड के भाई हैं। गाइस कितेत्सु हमारे टाइम का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे शो था। इसे देखने के बाद हम सब चाहते थे कि काश हम भी एक साइंटिस्ट बने। और गाइस कितेत्सु की शुरुआत होने का मेन रीजन था उसके ग्रेट ग्रैंडफादर, क्योंकि कितेत्सु जो भी एक्सपेरिमेंट या फिर जो भी गैजेट बनाता है वो सब उसके ग्रेट ग्रैंडफादर के ही इन्वेंशंस होते हैं, वो बस उनके स्टेप्स को फॉलो करता है। पर यार वो 15 साल से भी ज्यादा टीवी पर आने के बाद भी आज भी हमें उनके बारे में नहीं पता। नहीं हमें उनके बिहेवियर के बारे में अच्छे से पता है और नहीं वो किससे इंस्पायर्ड है इसके बारे में कुछ पता है। ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। कितेत्सु के ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम था कितेत्सु साइतामा और उनके बारे में फर्स्ट टाइम जिक्र फर्स्ट एपिसोड में ही हुआ था। कई बार हमें उनकी आवाज भी सुनाई गई है कितेत्सु के ड्रीम में उससे बात करते हुए, पर आज तक हमें कभी भी उनकी पूरी डिटेल्स नहीं बताई गई है। गाइज लास्ट वाला जो मिस्टीरियस कैरेक्टर है ना, वो है ये गॉड कैरेक्टर। एंड यस, इस गॉड कैरेक्टर की मिस्ट्री को सामने लाने के लिए मैं क्रेडिट देना चाहूंगा एनिमे स्पिरिट को। यार ये चैनल भी एनिमे से रिलेटेड काफी मस्त कंटेंट बनाते हैं। हाँ तो ये गॉड कैरेक्टर हमें सबसे पहले डोरेमोन की मूवी गोल गोल गोलमाल में देखने को मिला था। और ये मिस्टीरियस इसलिए है क्योंकि जब ये मूवी में आता है तो नोबिता इसे पूछता है कि तुम कौन हो, जिसके जवाब में ये अपने आप को सीड सोवर कहता है। गाइज इसके बस इसी वर्ड की वजह से ये एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है, क्योंकि जो सीड सोवर टर्म है ना वो मोस्टली गॉड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो गॉड हैं वही इस पूरी ही दुनिया के क्रिएटर हैं और हम सभी के लाइफ के बीच भी उन्होंने ही बोई है। यार इस गॉड कैरेक्टर का कोई डिफिनेट शेप नहीं है, ये किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। नोबिता से बात करते हुए इन्होंने बताया था कि कैसे 3 लाख साल पहले इन्होंने अर्थ और मार्स दोनों ही पर जीवन का बीज बोया था, पर मार्स पर ब्लास्ट के कारण वहाँ का जीवन नष्ट हो गया और धरती अब तक बची हुई है। गाइस ये कैरेक्टर कहाँ से आया है और यूनिवर्स के किस किस कोने में इसने जीवन का बीज बोया है, ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो यार उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आप एनिमे के और भी मिस्टीरियस वीडियोस को देखना चाहते हो तो आपके लिए ये डार्क सीक्रेट्स वाली वीडियो है, और अगर ये देख लिया है तो ये फ्यूचर प्रिडिक्शन वाली वीडियो है। यार दोनों ही काफी मस्त वीडियोस हैं, तो आप इन्हें चेकआउट जरूर करना। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।